नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। रेल प्रबंधन का रेलवे क्वार्टर तथा भूभाग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान गुरुवार को भी जारी रहा, जिसके तहत बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डायमंड क्रॉसिंग इलाके में कई क्वार्टर पर जबरन कब्जा तथा जमीन अतिक्रमण मामले में आरपीएफ और रेलवे अधिकारी ने स्थानीय जिला प्रशासन की मदद से लोगों को बेदखल किया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इसकी वजह से रेलवे अधिकारियों को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि रेलवे उन्हें अतिक्रमण हटाओ अभियान की पूर्व सूचना नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वह लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यहां करीबन 339 क्वार्टर हैं, जिसमें करीब करीब 200-250 में अवैध कब्जा और कुछ करीब 50-60 यहाँ अगल बगल में कुछ झुग्गी झोपड़ी है, वो सबको हटाना। धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कार्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें नई कमेटी बनाने को लेकर चर्चाएं हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से बात कर धनबाद में नई कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें गांव को अधिक तरजीह दी जाएगी। साथ ही कहा कि देश में चल रहे किसान विरोधी कानून को लेकर केंद्र सरकार भ्रम फैला रही है, इसे लेकर किसान आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं। सिख धर्म गुरु भी इसी को लेकर आत्महत्या कर लिए। ये केवल किसान आंदोलन को कुचलने के लिए ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी उसको कुचलने के लिए पूरे भारत में इस तरह का केवल भ्रम फैलाने के लिए लोगों को खड़ा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम मांग करते हैं कि ये काला कानून जो बनाया गया है उसको अविलंब वापस ले, क्योंकि किसान अब आत्महत्या पे उतारू हो गए हैं और कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सिख गुरु भी उनकी स्थिति देखकर आत्महत्या कर लिए। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके हम नई कमेटी बनाने का कोशिश करेंगे, और उसमें देहात के लोगों को, गांव के लोगों को ज्यादा जोड़ने का प्रयास रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। श्री राम सेना के बैनर तले दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहला कदम में स्टेशन रोड मजार में गुरुवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। मौके पर उपस्थित श्री राम सेना के उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और इसे आधार मानकर श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष निशांत सिंह तथा महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ममता सिंह के सहयोग से सरायढेला स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहला कदम में जरूरतमंद बच्चों के बीच 50 कंबल मजार वितरित किया गया, जिससे कि इस कड़ाके की ठंड में बच्चों को कष्ट कुछ कम करने में सफलता मिल सके। हमारा जो संगठन में जितने लोग हम लोग हैं, आपस में मिलकर आपस में एक आदान प्रदान करके हम लोग सारा ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ना हमारे पास फंड है, ना हमारे पास व्यवस्था है, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि इस कड़ाके के ठंड में जो मजदूर, रिक्शा चालक, जो गरीब है, जो असहाय है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। डीसी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये कार्यक्रम किया और अलवा जलवाया, इसलिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।